अब बात करेंगे बंगाल की, जहां हो रही हिंसा की खबरें रुकी नहीं रही। ये हिंसा ही है कि जहां दो चार नहीं कुल आठ चरणों में वोटिंग करानी पड़ रही है। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से बड़ी खबर है, जिसके बाद बंगाल में फिर से बवाल है। का बात नहीं, नया कुछ नहीं है यह दावा के रखने के लिए। यह कोई आदमी भाजपा का दल कर नहीं सकता। सोचा था जे इनको मार के हम लोगों को डराएगा। टीएमसी का बोलना है, यह कोई कुछ कर पाएगा टीएमसी छोड़ के? यह अभी जो भी कुछ करता है टीएमसी करता है। बंगाल का जनता माफ नहीं करेगी। ये दर्द, ये निशान, ये बिखरा सामान की बुजुर्ग महिला पर हमले की तस्वीरें ऐसी है जिनको हम बिना धुंधला किए आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन इस आवाज से बुजुर्ग महिला को हो रही असह्य पीड़ा को समझा जा सकता है। बुजुर्ग महिला का बयान सुनाएंगे। इस पर हो रहे सियासी नेताओं के एक दूसरे पर लगे आरोप प्रत्यारोप भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पूरा मामला समझिए। ये है गोपाल मजूमदार। गोपाल बीजेपी के कार्यकर्ता है। गोपाल की मां पर 27 फरवरी की देर रात हमला हुआ है और परिवार और बीजेपी का आरोप है कि हमला टीएमसी ने किया है। इसको लेकर चुनावी मौसम में राज्य में सियासी पारा हाई हो गया है। सबसे पहले सुनिए पीड़ित बुजुर्ग महिला की दर्द भरी कहानी, उनकी ही जुबानी। আমাকে ঘর ধাক্কা দিয়েছে, আমার গা আমারও দুটো গা গুঁতো দিয়েছে, আমাকেও মেরেছে। আমার তো পরিস্থিতি এরকম, আবার আমাকেও ওকে বলেছে যে এক কথা বলবে না, এক কথা স্বীকার করবে না কে কে মেরেছে। সারা শরীরেই কষ্ট আমার। सिर्फ माँ की ही गुंडों ने पिटाई नहीं की, बल्कि गोपाल पर भी हमला हुआ। गोपाल ने भी अपनी आप बीती सुनाई। बीजेपी मैंने गालागाल दिए, एक नोरा बताए गालागाल गालागाल दिए बोले बीजेपी करती। हमें तक ओर बोले दिल जो बीजेपी करी तो रात्रि अंधकार की करत बला मार्ट हमें मारधर कर रिवल्वर बाड़ीटा। तरपे हमें ओखान पड़े जाओ तर पड़े जावर पर बेधरक मारे এখন তো ওরা তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীই হবে। হ্যাঁ, তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীই ছিল। না, প্রত্যেকটার মুখে কালো পট্টি বাঁধা ছিল। इसको लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी के जिला और राज्य स्तर से लेकर केंद्रीय नेता तक टीएमसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसका बात नहीं, नया कुछ नहीं है। यह दावा के रखने के लिए यह कोई आदमी भाजपा का दल कर नहीं सकता। सोचा था जे इनको मार के हम लोगों को डराएगा। ये उस दिन रात को 12:30 से 1 बजे 10-12 आदमी दारू पी के मुंह में आपका मुकोश पड़ के काटा डाल के आप लोग दर्जा भांग के इनको मारा। इनका देखिए 75 का उम्र है इनका मामी, बीमारी है इनका, इनको भी नहीं छोड़ा। टीएमसी का बोलना है, यह कोई कुछ कर पाएगा टीएमसी छोड़ के? यह अभी जो भी कुछ करता है टीएमसी करता है। हुजूर, औरत को, किसी की माँ है, किसी की दादी है, इतना मारा है टीएमसी गुंडों ने। हम लोग उनका वीडियो देखे हैं। ममता दी एवं ममता दी के पार्टी तृणमूल कांग्रेस का ये पाप बंगाल का जनता माफ नहीं करेगी। बुरा तरह मारे हैं, उनका चेहरा देखिए, पूरा काला कर दिया है मार मार के। भोर को सुबह 4:30 बजे घर में घुस के मारे हैं। यही है तृणमूल का असल रूप। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और बंगाल में सह प्रभारी की भूमिका निभा रहे अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया। अमित मालवीय ने लिखा, क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है? इनको टीएमसी के गुंडों ने बेरहमी से पीटा, उनका क्या जुर्म है? ये बीजेपी कार्यकर्ता की माँ है। बीजेपी सीधे शब्दों में टीएमसी को हमले के लिए जिम्मेदार बता रही है, लेकिन टीएमसी इन आरोपों से इनकार कर रही है। टीएमसी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्विटर पर लिखा, टीएमसी सकारात्मक अभियान चला रही है, बीजेपी बदहवास है। उसके पास सुशासन के मोर्चे पर ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। वो सीनियर सिटीजन को भी नहीं छोड़ रहे। फर्जी खबरों की फैक्ट्री फिर बेनकाब हुई है।
पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। उम्मीद है दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन जैसा माहौल इस वक्त बंगाल में है, चुनाव के समय डर है कि कहीं इसमें और ज्यादा तेजी ना आए, क्योंकि बंगाल की चुनावी लड़ाई लंबे वक्त से हिंसा पर आ चुकी है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तनाव बढ़ता जा रहा है। ABP News, आपको रखे आगे।